বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে চাকরি থেকে বরখাস্তর দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানান এক মহিলা শিক্ষিকা। উল্লেখ্য, 2018 সালের অন্ডালের একটি উর্দু স্কুলেই জিশান আনসারের সাথে পরিচয় হয় ওই মহিলার। তার অভিযোগ, ওই পার্শ্ব শিক্ষিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। और वो एम डी जी शरण सारी वो भी बार नंबर स्कूल का पार्टनर में टीचर था, वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद फिर दोस्ती जो है लव अफेयर में ये हो गया। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी का वादा करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलाया, अपने घर ले गया, अब सबसे मिलवाया सर। इवन वो अपने फ्रेंड के घर भी मुझे ले गया, गौतम दास नाम है उसका, और वो अंडाल गौतम दास किन का नाम है? गौतम दास से जिशान के दोस्त का नाम है, जो एक म्यूजिशियन है। वो अंडाल बंगला स्कूल कॉलोनी के पास रहता है, वहाँ पे ले गया था मुझको ये बोल करके कि वो मेरा दोस्त है, चलो वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और एक म्यूजिशियन भी है तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलके। तो मैं उसके साथ गई थी स्कूल से। उसके बाद फिर वो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे देखी तो उसके पेरेंट्स थे, मुझसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए, लड़का भी बहुत अच्छे से बात किया। लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे मुझे किसी अपना पर्सनली इंटेंशन के लिए लेकर गया, मुझको फिर वो लेकर गया दोबारा, फिर किसी और दिन मुझे वो लेकर गया था। फर्स्ट दिन जब लेकर गया तो उसने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं, वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे, मैं उनसे मिली। लेकिन जब वो मुझे दूसरी बार लेके गया तो जब मैं उसके घर पहुँची तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। और जब मैं पूछी कि आपके पेरेंट्स कहाँ गए तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आ जाएंगे। इस तरह से बोल करके मैं वहाँ बैठी। फिर उसने खाने के लिए मुझे कुछ मिठाई दी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जिसको खाने के बाद मुझे कब मैं बेहोश हुई सर, मुझे खुद भी इसका नॉलेज नहीं हुआ। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को बिल्कुल निगेट पाई और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। कौन? एम डी निशान अंसारी, उसके घर में ही वीडियो बना, अपना घर में नहीं, गौतम दास के घर में। अच्छा। उसने वहाँ पे वीडियो बनाए, मुझे दिखाया भी यहाँ तक के। और मैं जब रोने लगी, जब मैं बोलने लगी कि तुम इसको डिलीट करो, तो बोलता है कि क्या है, मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही, मैं तो अपने घर में सबको बताया ही हूँ, मेरे माँ बाप सबको तो जानते ही है, फिर क्या होगा। ये सब बोल करके, समझा करके उसने मेरे सामने वो डिलीट तो कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया, कॉल करके उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके घर नहीं गई, मैं बोली मैं नहीं आऊंगी। उसने मुझे वीडियो फोटोज के बारे में बताया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो ना, एक बार मैं सोशल मीडिया पे सब छोड़ूंगा ये सारे नेकेड वीडियोस एडिट करके, तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारे वजह से तुम्हारे घर में सारे लोग बदनाम। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে, পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন। आपको कुछ बोलना है? जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट में कि आपके विरुद्ध जो अभियोग उठे से कोर्ट में अभियोग सत्य ना मिथ्ये कोर्ट में अभियोग अभियोग सत्य ना तो सब किसी हो कोर्टे हो किसी दरकार नहीं। এদিন ওই ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্তর দাবিতেই তিনি স্কুল পরিদর্শককে অভিযোগ জানান। কোর্টে যা ডিসিশন হবে, কোর্টে যা ডিসিশন হবে সেই অর্ডারটা আমি মাথা পেতে নেব। কোর্ট যেহেতু একটা আন্ডারপুজি চলছে, কোর্টে যা অর্ডার হবে ওনার জেল জরিমানা যাই হবে না কেন সেটা তুমি মেনে নি। তো আপনি আপনি দুই পক্ষের কথা শুনে কি মনে হলো আপনার, যে অভিযোগটা কতটা সত্যি? স্যার অভিযোগ এখান থেকে আমি প্রমাণ করতে পারবো না। উনি বলছেন যে এই হয়েছে স্যার, তার মেডিকেল বোর্ড আছে, মেডিকেল বোর্ড করলো, আমি তো ওকে বাইরে কিছু বুঝতে পারবো না, বলতে পারবো না। যা করবে কোর্ট, কোর্ট তার সেইভাবে যদি তার মেডিকেল বোর্ড গুছায় বা তার কি গুছায় বা সেই সব তার ফরেন্সিক সায়েন্স বা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট সেইভাবে দেখবে, এগুলো তো আমাদের ব্যাপার না। আমরা জাস্ট হেড মাস্টার মশাই আর দু পক্ষের কাছে জানলাম, ওনার বক্তব্যটা শুনলাম, আমার কাছে আমরা এডিএম কে জানলাম। এবারে উনি চাইছে যে মাস্টার মশাইকে চাকরি দিয়ে বরখাস্ত করাও, সেটাও আমরা লিখে নিয়েছি। উনি চাইছে সেটাও লিখে নিয়েছি, বরখাস্ত করাও। এবং ওনাদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছিল সেই সদর স্থান থেকে, আগে একটা বিবাহ মানে হাই স্কুলে, তবে থেকে ওনাদের পরিচিতি পরিচয় হয়েছিল। তারপরে এরপরে তো তার ব্যক্তিগত কি ঘটনা ঘটছে এত মিথ্যানুপুর কোনোভাবে জিজ্ঞেস করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বলছে যে ঘটনা তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছে, যার কোনো এফআইআর হয়েছিল, যে দিন সে জেল জেলে ছিল, তারপরে বেল পেয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থায় ঝুলে আছে। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলের রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।